एक सुंदर सा जंगल में तोता रहता था। वह कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। तोते की बचने की उम्मीद बहुत ज्यादा कम थी। तोते के दो बेटे थे। बड़ा बेटा का नाम था मोनू और छोटा बेटा का नाम था बिट्टू। एक दिन की बात है, तोता अपने दोनों बेटों को समझाता है। मोनू बेटा, तुम अपने छोटे भाई से बड़े हो, तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। मुझे बचने की बहुत ज्यादा उम्मीद कम है बेटा, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना बेटा, मेरी बात समझ में आई? पिताजी, आप इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं होगा, बस आपको आराम की जरूरत है पिताजी। अभी तो आपको और जीना है पिताजी, इस तरह से बातें मत कीजिए। आपकी बातें सुनकर हमसे सहन नहीं हो रहा है पिताजी, अच्छी अच्छी बातें कीजिए पिताजी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप चले जाएंगे हम दोनों भाई को छोड़कर, फिर हम दोनों को कौन देखभाल करेगा पिताजी? माँ तो बचपन में ही हम दोनों को छोड़कर चली गई है। अब आप भी बातें करने लगे छोड़कर जाने के लिए। अगर आप चले जाएंगे तो हम दोनों को कौन देखभाल करेगा पिताजी? इस तरह से आप बातें मत कीजिए, वरना मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगा पिताजी। बेटा, मेरे मर जाने के बाद तुम्हारा बड़ा भाई देखभाल करेगा, वो तुम्हें अच्छे से रखेगा बेटा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस ईश्वर पर भरोसा रखो बेटा। पिताजी, आप हम दोनों भाई से जुदा होने की बातें कर रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा पिताजी? आप ईश्वर से बोले कि मेरी तबीयत ठीक कर दे, और दो बेटे हैं मेरे, मेरे बेटे को कौन देखभाल करेगा पिताजी? अगर आप इस तरह से बातें करेंगे तो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी पिताजी। आप ईश्वर से बोले कि मेरी तबीयत ठीक कर दे। मोनू बेटा, तुम अपने छोटे भाई को अच्छे से ख्याल रखना बेटा। मेरे मर जाने के बाद तुम दोनों भाई अच्छे से मिलजुल कर रहना, हमसे वादा करो बेटा। तुम अपने छोटे भाई को अच्छे से देखभाल करोगे? पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ, बिट्टू का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा, कभी भी बिट्टू को दुख नहीं दूंगा पिताजी। लेकिन पिताजी, आप इस तरह से बातें मत कीजिए, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है पिताजी। मोनू बेटा, तुम अच्छी तरह से जानते हो अब मैं नहीं बच पाऊंगा, फिर क्यों नादान बातें कर रहे हो बेटा? इस तरह से बातें मत करो बेटा। और हाँ मोनू बेटा, मेरे मर जाने के बाद तुम दोनों अच्छा काम करना, अच्छा घर बनाना। अब मेरा समय आ गया है जाने का। तुम दोनों भाई पूरी जिंदगी साथ में रहना एक दूसरे से, कभी भी झगड़ा मत करना। अगर मोनू बेटा, बिट्टू से कुछ गलती हो जाएगी तो जाने अनजाने में इसे माफ कर देना छोटा भाई समझ कर, और एक दूसरे से मिलजुल कर रहना बेटा। समझ में आई मेरी बात? पिताजी, बिट्टू के मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा और ना ही कभी उसे डांटूंगा। लेकिन पिताजी, आप इस तरह से बातें मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा पिताजी। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है पिताजी, आप इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं? बेटा, अब मेरी आखिरी सांसें चल रही है बेटा, जो मैंने कहा है उसे जरूर निभाना बेटा। इतना बोलकर तोता अपना दम तोड़ देता है। मोनू भैया, पिताजी को क्या हो गया? अब क्यों नहीं बोल रहे हैं मोनू भैया? मोनू भैया, पिताजी को बोलो हमसे बातें करें, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है मोनू भैया। मोनू भैया, पिताजी को बोलो हमसे बातें करें, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मोनू भैया। बिट्टू मेरे भाई, पिताजी हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों को छोड़कर ईश्वर के पास चले गए हैं। अब हम दोनों को इसी गम में खुश रहना होगा। चुप हो जाओ बिट्टू, सब ठीक हो जाएगा। मोनू भैया, कैसे चुप हो जाऊं? बचपन में माँ छोड़कर हम दोनों को चले गई थी, अब पिताजी कैसे इतना ज्यादा दर्द सहन करूं? न जाने हम दोनों भाई के जिंदगी में क्या लिखा हुआ है। खुशियां भी आएगी कि सिर्फ गम ही देंगे ईश्वर। बिट्टू चुप हो जाओ, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। हम दोनों भाई को कुछ ना कुछ करना होगा, अगर कुछ नहीं किए हम दोनों भाई की जिंदगी गरीबी में ही गुजर जाएगी, समझे बिट्टू? हाँ मोनू भैया, आपने सही कहा, हम दोनों भाई को कुछ ना कुछ करना होगा। मैं पूरी मेहनत करूंगा मोनू भैया, आप चिंता मत कीजिए।
फिर कुछ महीने गुजर जाने के बाद मोनू शादी कर लेता है और दोनों भाई मिलजुल कर अच्छे खासे घर भी बना लिए थे। लेकिन एक दुख की बात है, मोनू की पत्नी बिट्टू के बारे में हरदम चुगली करती रहती थी, क्योंकि मोनू की पत्नी बहुत ज्यादा लालची थी। एक दिन मोनू की पत्नी कहती है, मोनू जी, आप अपने भाई को इस घर में क्यों रखे हैं? इसे निकाल क्यों नहीं देते हैं? घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहता है। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। मेरे सपने कितने बड़े बड़े थे कि मैं इस घर में आऊंगी तो घर की मालकिन बनूंगी, लेकिन नहीं, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। मेरी हुक्म कहाँ चलेगी? मोनू जी, अपने भाई को इस घर से बाहर निकालिए, मैं इसका शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। बुलबुल, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये मेरा भाई है, मैं अपने भाई को घर से बाहर कैसे निकालूंगा? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं अपने भाई के साथ हर दुख सुख में साथ दिया हूँ, समझी तुम? मेरा भाई इस घर से बाहर नहीं जाएगा, समझी? अगर इस घर को ये छोड़कर नहीं जाएगा, मैं इसकी जान ले लूंगी। ये मेरा घर है, अगर इसे रहना है जंगल में जाए, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी, समझे आप मोनू जी? बुलबुल, तुम क्या बोली जा रही हो? ये बिट्टू का भी घर है, तुम बिना मतलब का झगड़ा मत करो, शांति से इस घर में रहना तो रहो, समझी? अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है, तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। नहीं मोनू भैया, भाभी क्यों घर छोड़कर जाएंगी? मैं चला जाता हूँ इस घर को छोड़कर, आप दोनों इस घर में अच्छे से रहिएगा। और हाँ, मेरी चिंता मत कीजिएगा मोनू भैया, मैं जहाँ भी रहूंगा अच्छे से रहूंगा। नहीं बिट्टू, अगर घर से कोई जाएगा ये जाएगी, हम दोनों भाई को अलग करने आई है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अगर हमारे घर में ये रहेगी, हमारे घर को बर्बाद कर देगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बिट्टू, तुमसे बिना बताए मैं शादी कर लिया हूँ, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। निकलो तुम यहाँ से, मैंने सोचा था कि तुम मेरे घर को अच्छे से संभालोगे, लेकिन तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगी। जैसी तुम्हारी माँ लालची थी, वैसे तुम भी लालची हो। मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, समझी? अरे जा रही हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी से, इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो? फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। इधर दोनों भाई फिर से हंसी खुशी से साथ में रहने लगते हैं।